हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ में विंग आईलाइनर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी इजी ट्रिक के साथ में मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। अगर आपको विंग आईलाइनर लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, आप नहीं लगा पाते हो, तो ये वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखना है। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। मेबलिन क्लोसल आईलाइनर मैंने यहाँ पे ले ली हूँ और इसके एप्लीकेटर पे जो एक्स्ट्रा आईलाइनर लगा था उसको मैं अच्छे से रिमूव कर दूँगी। इस तरीके से इसके एप्लीकेटर को मैं इस तरीके से होल्ड कर रही हूँ। आप लोग को भी इस तरीके से करना है और अपने फिंगर को अपने गाल पे इस तरीके से सपोर्ट लेना है गाल का, और अपने आई के सेंटर में आपको स्टार्ट करना है आईलाइनर को। और कोशिश करिए कि आप जितना पतला आईलाइनर ड्रॉ करेंगे उतना आपके लिए ईजी है। और इस एप्लीकेटर से बहुत ही थिन आईलाइनर ड्रॉ होता है, इसलिए मुझे एक आईलाइनर बहुत ही पसंद है। और इसको मैं अब इनर कॉर्नर की तरफ से भी आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि कितना इजीली ये ड्रॉ हो रहा है। फिर उसके बाद अपने लोअर लैश लाइन के, जहाँ से अपनी लोअर लैश लाइन स्टार्ट होती है, वहाँ से गाइडलाइन लेके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। उस लाइन को कनेक्ट कर देना है अपने आई लैश के लाइन तक का, और फिर जो गैप्स है उसको अच्छे से फिल कर देना है आपको। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका आईलाइनर लगाने की जो टेक्निक है वो इजी हो जाएगी आपके लिए। और इसको मैं अच्छे से नीड लुक कर रही हूँ, इसे आपको भी करना है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इजीली आपसे भी ये हो जाएगा। ये आते इनर कॉर्नर अप्लाई करना। तो इनर कॉर्नर काफ़ी सिंपल है, तो इस तरीके से आपको अपने आईलाइनर को एक्सटेंड करना है अपर लैश लाइन से पहले, ये हो गया। और फिर उसके बाद अपने लोअर लैश लाइन से भी इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है, कनेक्ट कर देना है लोअर लैश लाइन के तरफ से। इस तरीके से इजीली ये अप्लाई हो जाता है इनर कॉर्नर। उसके बाद अपने ये आई मेकअप को अब फिनिश करने के लिए हम यहाँ पे आई लैश को कर्ल कर लेंगे। मस्कारे के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का मस्कारा, और अपने अपर लैश पे और लोअर लैश पे मस्कारे को मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। अगर आप ये विंग आईलाइनर ड्रॉ करते हो और मस्कारा लगाते हो और रेड लिपस्टिक लगाते हो ना, तो आपका मेकअप काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा आज का ये ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी ये वीडियो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय। Sometime, yeah, we could be alone tonight.